कैसे हैं बच्चों? अब हम आपको दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे बिलियन चैप्टर का। इससे पहले लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मोरलता के बारे में। आज हमारा लेक्चर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर सेकंड में हम पढ़ाने जा रहे हैं, पहले तो हम पुराना बता दे रहे हैं कि बार हमने क्या पढ़ाया था। मोरलता के बारे में बता गए थे, तो मोरलता का फार्मूला होता है, ये हमने बताया था आपको, 1000 बटे एम गुणा वी, और ये भाई मिलीलीटर में है। यहां तक हमने करा दिया था। अब देखिएगा यहां क्या क्या है, अगर बात की जाए यहां एम क्या है, तो ये मोलरता हो गई है। मोलरता छोटा डब्ल्यू की बात की जाए तो ये विलेय का भार है। किसका भार है? विलेय का भार। और स्मॉल एम की बात की जाए तो विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। वी जो है वो है विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखें क्या लिखा है कि अगर m देखा जाए तो मोलरता है, w क्या है, विलेय का भार है, और जो m है वो विलेय का भार है, और v विलेय का आयतन है। तो इस पर एक सवाल हम जरूर बोलेंगे, एक सवाल हम लेते हैं किताब से। देखो एक हमारे पास ऐसा सवाल है, ये तो देख लीजिएगा, मोलरता के बारे में हमने बताया, उसके बाद एक सवाल हम आपको बताते हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने बता दिया था, सवाल ये है बच्चों, 4 ग्राम NaOH को 250 ml सवाल पूरा लिख दे, 250 ml जल में घोला गया, 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया, घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए, ये सवाल क्वेश्चन है। ये 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे हम गिविन, गिविन एक चित्र बना दीजिए। ये हमारे पास ये देखिए कितना आयतन है, 250 ml, ठीक है, और कितना ग्राम छोटा डब्ल्यू, 4 ग्राम, कौन घोला गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर अणुभार देखो तो इसका 23 होता है, उनका 16 होता है, और एक का एच का ही होता है, तो ये आ जाएगा 40। वी इतना है, डब्ल्यू इतना है, और एम इतना है, तो मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया, एम बराबर छोटा डब्ल्यू गुणा 1000 बटे एम गुणा वी, कितना दे रखा है, 4 ग्राम, 1000 बटे कितना एम, 40, और वी कितना है, 250। इसको अगर काटा जाए, इस जीरो से जीरो को काट दो, इस जीरो से जीरो को काट दो, 4 से 4 काट दो, 10/25 आ जाएगा, और इसको भी काटोगे 25 चौका 100, इतनी मोलरता होगी।
इतनी मोलर था आगे इसके। क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरीके से मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता का हमने टॉपिक आपको बता दिया, अब हम दूसरे लेक्चर में आपको एक बात और बताने वाले हैं। जो अगला जो टॉपिक है हमारा विलयन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मोलरता। क्या है? मोलरता। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। 1 किलोग्राम विलायक के लिए एक किलोग्राम विलायक है, इसमें विलेय के मोल, क्या है? स्मॉल है। तो पहली बात तो लिखेंगे मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता की परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या क्या कह देते हैं? मोलरता कहते हैं। उस विलेय की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब बात आती है मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, ये मात्रक हो गया। अब फार्मूला क्या बनेगा? मोलरता बनेगा। मोलरता एन और ग्राम में ले रहा हूं मैं, या तो हम अवेज लेते हैं बड़ा डबल, और ये किसमें? किलोग्राम में। आ गया बच्चों, हमने यहां पर एन लिख लिया है। अब विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार क्या है? ये किलोग्राम। यदि ग्राम में हो, इसमें ग्राम में, तो 1000 से गुणा कर देंगे ऊपर, 1000 एन गुणा कैपिटल डब्ल्यू, और ये आ जाएगा ग्राम। तो ये मोलरता होगी, ये मोलरता। अगर पूछा जाए कि इसमें ये क्या है, तो ये विलेय का भार है, और ये क्या है? विलेय का अणुभार है, और ये क्या है? विलायक का भार है। ठीक, तो ये मोलरता हो गई। अब इसके बाद एक टॉपिक है मोल प्रभार। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ लिए जाते हैं, इंटर में भी ये आते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। देखो, अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास ये विलयन है, यहां पर विलेय के मोल स्मॉल एन है, विलायक के मोल कैपिटल एन है, तो क्या लिखेंगे? माना किसी विलयन में एन विलेय के मोल और कैपिटल एन विलायक के मोल
मोड़ है। इसी के बाद और लिखेंगे माना विलय का मोड़ प्रभाज का मोल प्रभाज एक्स वन और विलय का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज X2 है। माना विलय के मोल प्रभाज X1 है, विलय का मोल प्रभाज X2 है। अब हम यहां पर निकालते हैं विलय का मोल प्रभाज। तो इससे पहले एक बात और, कुल मोल कितने हो जाएंगे? कुल मोल कितने हो जाएंगे? एन प्लस एन ही तो हो जाएंगे, एन प्लस एन, ये कुल मोल हो गए। बात आती है विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। बच्चों एक्स वन है जिसका मोल प्रभाज निकालना है, तो पता क्या लिखेंगे? विलय के मोल बटे कुल मोल। तो x1 बराबर विलय के मोल कितने स्मॉल n, कुल मोल कितने या विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? विलय के मोल बटे कुल मोल, इससे विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे। अब आता है विलायक का मोल प्रभाज, इसको रख करना पड़ेगा बच्चों। क्या लिखेंगे? विलय का मोल प्रभाज मोल प्रभाज एक्स टू बराबर विलय के मोल मोल बटे कुल मोल x2, और इसको लिखते हैं बच्चों n, विलायक के मोल कैपिटल n बटे n प्लस n। ये किसका मोल प्रभाज आ गया? ये विलायक का मोल प्रभाज आ गया। अब देखिए इन दोनों के लिए अगर 100% रखेंगे, x1 एक का मोल प्रभाज फाइंड कर लो, दूसरे का एक में से इसमें से निकाल लो। ये नोट का कंडीशन, ये नोटेड पॉइंट है। अब सोच रहे हो कैसे आ गया, x1 की वैल्यू लगाओ, वी आई टू एन बटे एन प्लस एन, और ये एन अपॉन एन प्लस एन, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? एन प्लस एन, और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज का, ये क्वेश्चन जरूर आता है। एक टॉपिक हम और बता दें, फिर हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। पहले हम इसके रिलेशन बता दें, मोरंता मोल प्रभाज दोनों पर सवाल कराएंगे, बहुत सारे सवाल कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो एक रिलेशन और बताना मुझे, एक रिलेशन और है मोल प्रभाज और मोरल फॉर्मेशन। मोल प्रभाज तथा मोल अल्फा में संबंध,
देखो जनरल फार्मूला बना रहे एक्स वे बराबर एक्स वे एक एम गुणा और एम बिना बटे 1000 प्लस एम गुणा एम बिना ये जनरल रिलेशन होगा। मोल प्रभाज और मोल अंका में जनरल रिलेशन हो गए। अब बात की जाती है इस पर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। देखिए देखो यहां पर एक बात और समझ लीजिए, यदि विलायक जल हो, विलायक क्या हो जल हो, तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे एक्स विले बराबर एम गुणा और एम सफिक्स में एस टू बटे 1000 प्लस एम गुणा एम एच टू ओ। इसके आगे यहां पर हम लिख के दिखाते हैं एक्स विले बराबर एम तो ऐसा ही रहेगा एस टू का भार कितना होता है 18 है बटे 1000 प्लस एम गुणा 18 है। अगर इससे 18 कॉमन ले लिए जाए, 18 कॉमन ले लिए एम बटे, तो यहां पर 18 कॉमन ले लो तो 18 से भाग करो कितना आएगा 55.56 और यहां बचेगा एम 18 से 18 कट जाएगा। तो फाइनल रिलेशन क्या है एक्स विले बराबर एम बटे 55.5 और एम। यदि विलायक क्या हो जल, तब आप इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा यदि विलायक बेंजीन हो, विलायक क्या हो बेंजीन हो, तो बस कुछ नहीं करना एक्स विले दिखाना है देना एम ऐसा ही आएगा बेंजीन का भार कितना होता 78 बटे 1000 प्लस एम गुणा 78 प्लस 78 कॉमन लेके भाग कर देना बस। ये तीन टॉपिक अभी मैंने कराए, मोल अंका कराई, मोल प्रभाज कराए और क्या कराया मोल प्रभाज और मोल अंका में संबंध, इनके फार्मूले आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 में इन तीनों टॉपिक पर काफी सवाल बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।